राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा गोहाना पहुंचे हैं। गेहूं की खरीद पर रामचंद्र जांगड़ा का बयान भी सामने आया है। आढ़ती और किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, ये आश्वासन दिया गया है। सोनीपत में लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले पर भी रामचंद्र जांगड़ा बोले हैं। मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है, मुख्य सरगना को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा गोहाना पहुंचे और गेहूं की खरीद पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बोला है कि आढ़तियों और किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विपक्षियों को जो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। मामले में एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है। ये सोनीपत के शराब घोटाले के मामले के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनील जिंदल, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये कहा है रामचंद्र जांगड़ा ने कि किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, समय पर भुगतान हो रहा है, लेकिन क्या किसान वाकई ये मानते हैं उनको भुगतान हो रहा है समय पर? देखिए, लगातार प्रदेश की मंडियों से ये बात सामने आ रही है कि अभी तक जो सरकार द्वारा जो खरीदा गया गेहूं है उसकी पेमेंट समय पर नहीं दी जा रही है। लेकिन आज जब राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा गोहाना पहुंचे थे तो उनसे हमने इस बारे में बात की, तो उनका ये मानना है कि देखिए, अब की बार किसी को भी प्रदेश के अंदर जो है गेहूं की खरीद को लेकर जो है परेशानी नहीं आने दी जा रही, समय पर गेहूं की खरीद की जा रही है, समय पर उठान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जांगड़ा ने ये भी कहा कि अब की बार तो सबसे बात यह है कि किसी को भी पेमेंट में ढिलाई नहीं की जा रही, समय पर उनकी जो है गेहूं की पेमेंट दी जा रही है। लेकिन हमने ये कहा कि लगातार विपक्ष और जो आढ़ती आरोप लगा रहे हैं तो उनका यह कहना था कि उनके संज्ञान में इस तरह का मामला नहीं है और बस उसकी बात जांच कराई जाएगी कि पेमेंट क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा का ये मानना है कि पेमेंट समय पर दी जा रही है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने जिस तरह से सोनीपत में शराब का एक बड़ा मामला सामने आया लॉकडाउन के दौरान, जो उस पर भी कहा है कि देखिए, पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर लिया गया है और जो मुख्य सरगना है इस पूरे मामले में उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही जो है बाकी आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे उसमें कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए सुनील।